हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एक डॉट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राजनीति विज्ञान को किस तरह से रटने से बचा जाए, उसको रटने से अवॉइड किया जाए और चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए। तो यह वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और पॉलिटिकल साइंस और अन्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट होते हैं उनको किस तरह से रटने से बचा जाए और उनके कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाए उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और विशेषकर राजनीति शास्त्र जो क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस है उसको इस वीडियो में देखेंगे कि उसका क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है और कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से बुक हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में एक छोटे से समय में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जो होगा पॉलिटिकल साइंस का है, क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी बेस्ड है और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड से जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी को शामिल किया गया है। तो अगर आपके भी सिलेबस में एनसीईआरटी शामिल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से बुक्स हैं, बुक्स का जो क्राइटेरिया है वो कैसा देखने में लगता है, उस सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो जो होगा छोटे होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें कौन कौन से बुक होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो बुक होते हैं, इसके सिलेबस की बात करें, फर्स्ट बुक की बात करें तो इसमें वर्ल्ड वाला बुक इसे बोला जाता है जिसमें 9 चैप्टर्स होंगे, समकालीन विश्व में राजनीति इसका नाम है, आगे हम उस किताब को देखने वाले हैं। और ये वर्ल्ड वाले बुक में 9 चैप्टर्स होंगे टोटल से देखा जाए। और एक बुक और होगा जो सेकंड बुक कहलाता है जिसे हम इंडिया वाला बुक भी कहते हैं, 9 चैप्टर्स इसमें भी होंगे, यानी टोटल से देखे जाए तो 18 चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, 9 चैप्टर्स वर्ल्ड वाले बुक में और 9 चैप्टर्स इंडिया वाले बुक में, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक जिसे बोला जाता है। अब इसके जो स्वरूप है उसकी दिखने में किताब कैसा लगता है उसे भी देख लें। तो फर्स्ट बुक की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है जिसे हम समकालीन विश्व में राजनीति कहते हैं, और जो सेकंड बुक है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दोनों बुक हैं जो फर्स्ट और सेकेंड बुक हैं, समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये दो बुक ही आपको क्लास ट्वेल्थ में 12वीं कक्षा में पढ़नी है। ठीक है, और दोनों में 9-9 चैप्टर्स हैं, कुल मिलाकर 18 चैप्टर होने वाले हैं। तो यह जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताने वाला था इसमें कौन कौन से बुक हैं और कितने चैप्टर्स हैं और उनकी रूपरेखा किस प्रकार है, बस इतना ही बताने वाला था। और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि इसमें जो पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, आगे इसकी जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है आने वाला है, चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, हर चैप्टर का सोल्यूशन वीडियो इस पर आएगा, थ्योरी को पूरा कंप्लीट समझाया जाएगा, नहीं बल्कि रटाया जाएगा। ठीक है, तो रटने का प्रयास मत करें, इसको समझने का प्रयास करें, चीज़ों को समझिएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कितने चैप्टर्स टोटल से हैं और कितने बुक हैं, इन सबों को बातों को क्लियर करना ही हमारा इस वीडियो का मकसद था। और इसका जो सोल्यूशन है, थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन है, वो अगले वीडियो में आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।